मित्रों, एक बड़ा ही खूबसूरत प्रसंग सुनाता हूं आपको। पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली के भक्ति भाव के कारण वृंदावन के सभी संत उनसे बहुत ही प्रभावित थे और उन पर विशेष कृपा रखते थे। संतों की कौन कहे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनसे आकृष्ट होकर उनके ऊपर कृपा कर जाया करते थे। कहते हैं कि एक बार श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली अपने घर में बैठे हारमोनियम पर गा रहे थे। उसी समय एक बड़ा ही सुंदर बालक आकर उनके सामने बैठ गया और तन्मय होकर भजन सुनने लगा। भक्तमाली जी ने बालक का श्रृंगार देखकर समझा कि वो किसी रास मंडली का बालक है जो उनके भजनों से आकृष्ट होकर चला आया है। भक्तमाली जी ने भजन समाप्त करने के बाद बालक से पूछा, बेटा तुम कहाँ रहते हो? बालक ने कहा, अक्रूर घाट पर भतरोड़ा मंदिर में रहता हूँ। भक्तमाली जी ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने कहा, लड्डू गोपाल। भक्तमाली जी ने तुरंत पूछा, तो तुम लड्डू खाओगे या पेड़ा खाओगे? उस समय भक्तमाली जी के पास लड्डू नहीं पेड़े ही थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से पूछा। बालक ने भी हंसकर कहा, बाबा मैं तो पेड़ा खाऊंगा। भक्तमाली जी ने बालक को पेड़े लाकर दिए। वो बालक पेड़े खाता हुआ और भक्तमाली जी की ओर हंसकर देखता हुआ चला गया। पर ठाकुर जी बालक के रूप में जाते जाते अपनी जादू भरी मुस्कान और चितवन की अपूर्व छवि भक्तमाली जी के हृदय पर अंकित कर गए। अब उस बालक की वो छवि भक्तमाली जी को सारा दिन और सारी रात व्यग्र की रही। भक्तमाली जी के मन में तरह तरह के विचार उठते रहे। ऐसा सुंदर बालक तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो रास मंडली का बालक ही था या कोई और? घर में ऐसे आकर बैठ गया जैसे ये उसी का घर हो। भय नहीं, संकोच नहीं। छोटा सा बालक भजन को ऐसे तन्मय होकर सुन रहा था जैसे उसे भजन में ना जाने कितना रस मिल रहा हो। नहीं नहीं, वो कोई साधारण बालक तो नहीं हो सकता। कहीं वे भक्त वत्सल भगवान ही तो नहीं जो नारद जी के प्रति कहे गए अपने इस वचन को चरितार्थ करने आए थे। नाहुं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ताः। पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है, हे नारद, ना तो मैं अपने निवास वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो उस स्थान में वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और मेरे रूप लीला और गुणों की चर्चा करते हैं। भक्तमाली जी बालक के विषय में तरह तरह के विचार करते हुए सो गए। और अगले दिन प्रातः भरतोड़ में अक्रूर मंदिर पहुंचे। भक्तमाली जी ने वहां सेवारत पुजारी जी से पूछा, क्या यहाँ लड्डू गोपाल नाम का कोई बालक रहता है? पुजारी जी ने कहा, लड्डू गोपाल तो हमारे मंदिर के ठाकुर जी का नाम है और यहाँ कोई बालक नहीं रहता। ये सुनते ही भक्तमाली जी सिहर उठे, उनके नेत्र डबडबा आए। अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने पुजारी जी से कहा, कल एक बहुत खूबसूरत बालक मेरे पास आया था। उस बालक ने अपना नाम लड्डू गोपाल बताया था और निवास स्थान अक्रूर मंदिर। मैंने उसे पेड़े खाने को दिए थे, पेड़े खाकर वो बहुत प्रसन्न हुआ था। पुजारी जी, कहीं आपके ठाकुर जी ने ही तो ये लीला नहीं की थी? पुजारी जी ने कहा, भक्तमाली जी आप धन्य हैं, हमारे ठाकुर ने ही आप पर कृपा की, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे ठाकुर जी को पेड़े बहुत प्रिय है। कई दिनों से मैं बाजार नहीं जा पाया था, इसलिए पेड़े का भोग नहीं लगा सका था। भक्तमाली जी ने मंदिर के भीतर जाकर लड्डू गोपाल जी के दिव्य श्री विग्रह के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखना, बार बार इसी तरह आकर दर्शन देते रहना। पता नहीं भक्तमाली जी को फिर कभी लड्डू गोपाल ने उसी रूप में उन पर कृपा की या नहीं, लेकिन एक बार भक्तमाली जी अयोध्या गए थे। देर रात्रि में अयोध्या पहुंचे, इसलिए स्टेशन के बाहर ही खुले में सो गए। प्रातः उठते ही किसी कार्यवश के लिए कहीं जाना था, पर सवेरा हो आया, उनकी नींद नहीं खुल रही थी। लड्डू गोपाल जैसा ही एक सुंदर बालक आया
और उनके तलवों में गुलगुली मचाते हुए बोला, बाबा उठो, सवेरा हो गया, जाना नहीं है क्या? भक्तमाली जी हड़बड़ा कर उठे, उस बालक की एक ही झलक देख पाए थे और वो बालक अदृश्य हो गया। धन्य है ऐसी अटूट भक्ति और धन्य है प्रभु की लीला। जय जय श्री राधे श्याम। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।